नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे पास Realme का E1 और इसका करेंगे चार्जिंग टेस्ट। देखेंगे कि कितना समय लग रहा है इसको फुल चार्ज करने में। अभी ये मेरा फ़ोन चार्ज है, आप लोग देख सकते हैं 4% अभी चार्ज है, तो इसको हम फुल चार्ज करेंगे। उसके बाद करेंगे इसका बैटरी बैकअप का टेस्ट। जी दोस्तों, इसको करेंगे कि कितना देर इसका बैटरी बैकअप दे रहा है, इसका ड्रेन टेस्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बैटरी चार्ज का टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं फ्लैश का निशान आ रहा है, तो ये फ़ोन मेरा चार्जिंग हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, और अभी आप टाइम भी देख रहे हैं, ये आपका टाइम हो रहा है 20:31, यानी आपको कह सकते हैं कि 8:31 अभी टाइम हो रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कितना समय लग रहा है इसको चार्जिंग होने में। तो हम लोग का टाइम हो चुका है लगभग आधे घंटे, और 20:31 पर हम लोग यानी 8:31 में हमको इसको चार्जिंग स्टार्ट किए थे। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं, और देख अभी हम लोग का हर टाइम 21, यानी हम लोग का बराबर अभी 9 बज रहा है। और दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि कितना बैटरी आप लोग की चार्ज हो चुकी है, ये 30% चार्ज हुआ है। तो कह सकते हैं कि आपको 29 मिनट के समय में, और हम लोग उस समय 4% ये फ़ोन चार्ज था। तो अब इसको फिर रखते हैं और देखते हैं कि हम लोग का फुल चार्ज कितना समय में होता है। फाइनली देख सकते हैं कि अब 9:30 हो चुके हैं, तो लगभग हम लोग का 1 घंटा हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कितना हम लोग का 60 मिनट होने वाला है, और कितना देर फ़ोन चार्ज हुआ है, कितना परसेंट। तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं 21:31, यानी ये फ़ोन हम लोग 20:31 लगाए थे और 21:31 हो रहा है, यानी हम लोग का करेक्ट 60 मिनट हो चुका है, और हम लोग देखते हैं कितना परसेंट ये फ़ोन चार्ज हुआ है। तो देख सकते हैं ये फ़ोन दोस्तों 58% हुआ है अभी, यानी 4% हम लोग का पहले फ़ोन चार्ज था, और ये अभी 58% हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोन अभी 58% चार्ज है। ये जो फ़ोन है आपको 1 घंटा में 54% चार्ज हुआ है। देखते हैं कि कितना देर में फुल चार्ज होता है। हो गया हम लोग का 1 घंटा 45 मिनट। अब देखते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट होने के बाद ये फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हुआ। देख सकते हैं 22:16 हो रहा है। 15 मिनट दोस्तों जैसे होगा तो हम लोग का पूरा पूरा 2 घंटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 20:31 से लगाए थे। तो देखते हैं कितना परसेंट ये चार्ज हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग का ये फ़ोन अब हो गया है चार्ज 90%। तो आप कह सकते हैं कि आपको ये फ़ोन लगभग 2 घंटा तक ये फुल चार्ज फ़ोन हो जाएगा। तो चलिए हो जाने दीजिए 100%। बज के 50 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं कि हम लोग का कितना फ़ोन चार्ज हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं 22:50 हो रहा है, और हम लोग का फ़ोन चार्ज हुआ है 99%। तो कह सकते हैं कि अब ये हम लोग का फ़ोन 100% चार्ज होने वाला ही है। तो चलिए फ़िलहाल इसको रख देते हैं। 22:57 हो चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया। 22:58 हुआ है, लेकिन हम लोग का फ़ोन फुल चार्ज हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोन 100% चार्ज हो गया है। तो मैं इसको अब यहाँ से पिन को निकाल देता हूँ, ये आपको 100% चार्ज हो गया है। देख सकते हैं कि 22:58 पर ये फ़ोन चार्ज हुआ आपको 100%। कहने का मतलब है कि ये फ़ोन लगभग 2.5 घंटा लग गया इसको फुल चार्ज करने में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास 4% की पहले से बैकअप थी। आप लोग देख सकते हैं कि इस फ़ोन को अगर आपको फुल चार्ज करना होगा 0 से 100% तक, तो इसको आपको 2.5 घंटे का समय देना होगा। तो हम लोग की ये बैटरी चार्जिंग टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग देख चुके हैं कि 2.5 घंटे में ये फ़ोन लगभग आपको फुल हो जाएगा चार्ज। दोस्तों आप देखेंगे हम कि ये कितना देर बैकअप देता है। तो दोस्तों मैं जहाँ वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ यहाँ पर नेटवर्क नहीं आती है, इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ता है, और यहाँ से आपको वाईफाई भी कनेक्ट करके इसमें मैं कुछ नहीं चला सकता हूँ। तो देख सकते हैं इसके लिए मैं जाऊंगा छत पे, और छत पे रूम है मेरा, और वहीं पर जाकर इसको हम टेस्ट करेंगे, इसमें वीडियो चलाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो आप लोग थोड़ा देर और वेट कर लीजिए। फाइनली हम बैटरी को डिस्चार्ज कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं मैं डिस्चार्ज करके इस बैटरी को 10% पे ला दिया हूँ, और आप लोग खुद देख सकते हैं इसकी बैटरी अब 10% हो गई है। जैसे मुझे 10% का नोटिस मिला तो मैं इसको अब उपयोग करना बंद कर दिया। तो दोस्तों मैं क्या क्या यूज़ किया हूँ, 100% से कैसे इसको अब 10% पे किया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों जैसे 100% हुआ
तो आपको मालूम ही है। उसके बाद मैंने सबसे पहले इसमें एक फिल्म देखा यूट्यूब से, जो कि वो 1.5 घंटे की फिल्म थी। उसको हम मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा नहीं किए थे, नॉर्मल वॉल्यूम में उस फिल्म को हम देखें, तो मेरा बैटरी फिल्म देखने के बाद 80% हो गया। फिर कुछ देर के बाद हमने फिर ऑनलाइन ही एक मूवी देखा, जो कि वो लगभग 2 घंटे से थोड़ी सी कम थी। तो उस फिल्म को जब देखा तो उसको देखने के बाद मेरी बैटरी हो गई 51% डाउन, 51% पे हो गई, यानी जो 80% था पहले अब 51% हो गया। मैंने फिर उसके बाद एक फ़िल्म देखा, जो कि लगभग वो फिल्म 1.5 घंटे की थी। तो उसको देखने के बाद जो मेरा बैटरी था वो लगभग मेरा बैटरी हो गया 26%। वैसे आपको 1.25 घंटा यानी 1 घंटा 15 मिनट इससे हम मतलब कि मोबाइल चलाएँ तो मेरा बैटरी हो गया 10% हो गया। उसके बाद 10% जैसे फ़ोन हुआ तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो टोटल कहें तो हमने उपयोग कहते हैं कि कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन बीच बीच में गैप देकर ही किए हैं, लेकिन टोटल अगर यूज कर सकते हैं तो 6.5 घंटा इसको हमको बैकअप मिला है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको 7 घंटे की लगातार बैकअप मिल जाती है तो काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छी बात है। और ऐसे आप अगर मान लीजिए इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको 1 डे की बैकअप ज़रूर मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों बस यही था, आशा करता हूँ आप लोग की बैटरी चार्जिंग जो टेस्ट था वो और ये बैटरी बैकअप का टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।